आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं जियो फाइनेंशियल स्टॉक के बारे में। इस स्टॉक के लिस्टिंग के बाद देखेंगे तो लगभग 23,700 करोड़ डेंट होने के बाद, यानी इतने के वैल्यूएशन कम होने के बाद, आज इस स्टॉक में लोअर सर्किट नियर अराउंड 205 के प्राइस पे दिखा है। बहुत सारे इंडिविजुअल क्वेरी दिख रहे थे कि सर इस समय क्या करना चाहिए, क्या यहाँ से बड़े ट्रेंड रिवर्सल हुए तो क्या फ्रेस बाइंग के लिए अपर सर्किट पर ही लगा दूं क्या, या फिर इस समय वेट करना चाहिए। तो सभी पॉइंट्स को काफ़ी इजिली डिस्कस करेंगे। और अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर हैं तो हमने कहा था कि आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि 180-200 पे इसके लोअर सर्किट खुलेंगे, इन वर्स्ट सिनेरियो 150 और 60 के आसपास तक के इन वर्स्ट सिनेरियो लोअर सर्किट दिख सकता है। और यहाँ देखेंगे 200 के आसपास के प्राइस पे ही इसके लोअर सर्किट खुलते हुए दिखे हैं। मैं स्टार्टिंग से कह रहा हूँ कि ये जो बिजनेस है, देयर इज नो एनी प्रॉब्लम, बेसिक फंडामेंटल बिजनेस के कुछ भी दिक्कत नहीं है। इवन लोगों के एक्सपेक्टेशन काफ़ी हाई है और मुझे लगता है कि नेक्स्ट 3-5 ईयर होल्ड करें तो 1000+ तक के लेवल्स दिख सकते हैं, क्योंकि फाइनेंशियल मार्केट के जो फ्यूचर हैं काफ़ी ग्रोथ प्रोस्पेक्ट से देखा जा रहा है। क्योंकि यहाँ देखेंगे मल्टीपल जो भी कार्य आजकल मिडिल क्लास जनरेशन में हो रहा है वो सभी ईएमआई लोन पे हो रहा है, तो इसके एक्सपेंशन भी होने हैं ईएमआई लोन के। जितने भी फाइनेंशियल सेक्टर अलग अलग हैं, म्यूचुअल फंड में जाने की बात चल रही थी फाइनेंस के अंदर जो है, उसके बाद लोन में और भी सारे एक्सपेंशन दिखेंगे। तो बिजनेस के प्रोस्पेक्टिव से कुछ भी निगेटिव नहीं था, निगेटिव बस था तो वैल्यूएशन काफ़ी ओवर वैल्यूड लिस्टिंग की गई थी, जिसके कारण ये लोअर सर्किट दिखा, पैसिव म्यूचुअल फंड की सेलिंग दिखी। तो आगे बढ़ें इससे पहले प्रीमियम टेलीग्राम को ज्वाइन करके डिस्क्रिप्शन के लिंक से चाहे तो अकाउंट ओपन करेंगे। दो बड़ी न्यूज इसमें दिखी है, पहला तो 3 डेज जो है और एक्सटेंड कर दिए गए BSE इंडाइसेस से, इसको एक्सटेंड रिमूव करने के लिए, जो पहले लगभग 28 या कुछ ऐसा ही था 30, तो अब वो 1 सितंबर को हो गया है। इसके साथ ही यहाँ देखेंगे 23,700 करोड़ निकला है। उदय कोटक जी ने बहुत बड़ी बात कही है, उन्होंने कहा है उदय कोटक जी ने कि जो केवी कामत हैं इनको फाइनेंशियल मार्केट में बड़ा नामी चेहरा है, इनको लेकर के उन्होंने बिग थम्सअप करा और कहा है कि सेज कंपनी कैन स्केल अंडर केवी कामत लीडरशिप को लेकर के उन्होंने हरी झंडी दिखाई है। और ये बस उदय कोटक ही नहीं, बहुत सारे और भी दिग्गज ने कहा है कि केवी कामत जो है वो फाइनेंशियल मार्केट के बहुत जाने पहचाने नाम हैं। जैसे कि हमने देखा कि वैद्यनाथन जी हैं जो IDFC फर्स्ट बैंक को एस्टेब्लिश करा है, उससे पहले अगर आप देखेंगे तो हमने HDFC बैंक को लेकर के भी देखा था कि HDFC बैंक के जो ग्रोथ के प्रोस्पेक्टिव रहे थे उसको लेकर के भी हमने काफ़ी सारे पहले नाम सुन रखा है। तो इस समय आगे डिस्कस करें इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों में शेयर करें। आदित्य पुरी HDFC के अंदर बहुत बड़े नाम थे जिन्होंने HDFC को मतलब फर्श से अर्श पे लेके गए। यहाँ डिलीवरी चूँकि लोअर सर्किट के कारण काफ़ी ये दिख रहा था, यहाँ से रिवर्सल दिखे। अभी भी कहूँगा अगर डीमर्जर के थ्रू, वही है ना कि सबको फ्री में माल मिला है रिलायंस के साथ, तो सब बेचेंगे ही बेचेंगे। अगर आप लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव देख रहे हैं तो पोजीशन बनाए रखें और इस समय वेट करें, 200-220 के बीच का प्राइस मिले तो यहाँ एवरेज करेंगे और वेट करेंगे 150-170 के आसपास के लेवल का भी। और लॉन्ग टर्म में 1000+ तक के लेवल्स आप इजीली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। काफ़ी हरी अप करके बाइंग करने से बचें, ट्रेडेबल होने दें 3-4 दिन, उसके बाद इस स्टॉक में फ्रेश पोजिशन लेंगे।